ओ गाइज वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो। तो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं और अपनी वीकेंड्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं बैंक, क्योंकि कल पैसे एक्चुअली डिपॉजिट करवाने थे पर नहीं कर सके। अभी जाएंगे, सबसे पहले बैंक जाएंगे, जो सैलरी मिली थी वो डिपॉजिट करवाएंगे और उसके बाद जो है वो शॉपिंग मॉल में जाएंगे, उधर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक की कुछ मतलब ऐसी कोई चीज़ लेनी है तो वो लेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। और उसके अलावा आज हमारा लैंग्वेज क्लास भी था पर हम लोगों ने नहीं लिया। वो 2 बजे शुरू होता है और 6 बजे ख़त्म होता है और 3 महीनों का कोर्स है और जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर ही वो टीचर आती है और पढ़ा के जाती है। तो हम लोगों ने क्लास नहीं लिया, अभी टीचर मिली थी तो उसने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो हमने बोला कि हम लोग काम पे जा रहे हैं। एक्चुअली ये बात है कि 2 दिन आपकी छुट्टी होती है और उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि हम छुट्टी में अपने काम करें या जो है हम क्लासेस लें, तो इसलिए हमने ऐसे ही बोल दिया उसको झूठ कि हम लोग जा रहे हैं काम पे। क्योंकि लैंग्वेज तो हम वैसे भी थोड़ा बहुत वहाँ पे सीख रहे हैं, बाकी अच्छी बात यह है कि लैंग्वेज जो क्लासेस हैं आप ले अगर आप काम नहीं करते, बाकी अगर आप करते हो काम फिर जो है बहुत मसला हो जाता है। तो चलते हाँ, तो उधर ये हमारे भाई हैं, एक इसके बोल रहे हैं जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा बेटा, अपने उस्तादों से झूठ बोल रहा है तू। क्या करें भाई, कभी कभी क्योंकि बोलना पड़ता है ना। तो चलते हैं बैंक सबसे पहले। हाँ तो भाई पैसे जो है वो हो गए, अभी इंतजार कर रहे हैं रिसिप्ट वगैरह का। ओके आओ भाई। बाहर खोलता है ये। हाँ तो गाइस अभी जो है वो हम बस से उतरे थे और अभी जो है वो हम मेट्रो में हैं। वैसे जहाँ पे हमें जाना था जो कि शॉपिंग मॉल करीब था, हम कल भी गए थे पर वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं किसी और शॉपिंग मॉल पे, वहाँ पे जो है हमें जो कुछ भी लेना है वो वहाँ पे जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक के बहुत से आउटलेट्स हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के। वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि जो चीज़ हमें लेनी है अगर वो हमें कहीं वहाँ पे सस्ती मिल गई तो वहाँ से लेके आएंगे, वरना यहाँ पे आएंगे और जल्दी मिलेंगे। सैलरी मिली है तो अब हाथ में खुजली हो रही है, तो हम भी कह रहे हैं कि चीज़ें ऐसे ऐसे स्लोली स्लोली जो है वो हम लोग लेते जाएं। तो अभी जो है हम शॉपिंग मॉल पर पहुँचने वाले हैं। पिछली दफ़ा जो हम आए थे शॉपिंग मॉल से वो बीच से पीछे की तरफ आए थे तो हमें उसका एंट्रेंस नहीं मिला था, तो हम पार्किंग वाले एंट्रेंस से उसके अंदर गए थे। लेकिन आज जो है इधर सामने से आए तो देखते हैं इसका एंट्रेंस कहाँ से है। और ये वही शॉपिंग मॉल है और बहुत ही बड़ा है। पिछले दफ़े भी हमने आधा ही घूमा था क्योंकि लेट हो रही थी, हमें घर भी जाना था फिर सोना भी था। तो अभी जो है चलते हैं उसमें और देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ दिखाते हैं आपको भी दिखाएंगे लाजमी। वीडियो शूटिंग वैसे यहाँ पर भी मुझे जो लगता है वो ऑल आउट नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ क्लिप्स हम कोशिश करेंगे कि वो शूट करेंगे। तो गाइज हमें जो कुछ सामान लेना था वो तो हम लोगों ने ले लिया, बाकी बाहर निकल के आपको दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या लिया है। बाकी अभी भूख लगी थी तो हम लोग इधर आए थे KFC पे, अभी जो है वो अपना ऑर्डर करवा रहे हैं, खा पी के मस्त जो है फिर जो है बाहर जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि हम लोगों ने जो है वो क्या क्या यहाँ से लिया था।
तो भाई अभी जो है हमने ये ऑर्डर कराया था KFC, इनका एक मेन्यू में मतलब एक सेल की तरह जैसे बोलें इस तरह लगा हुआ था, 5 यूरो में फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और कोक जो है अनलिमिटेड है, वहाँ पर जो है मशीन लगी हुई है, जितना आप चाहो उतना पी सकते हो, और लास्ट में जो है वो आइसक्रीम भी देंगे। ये सारी चीज़ें जो है 5 यूरो में आपको मिल जाती हैं। वैसे ये मैकडोनल्ड ने हमने पिछली दफ़ा खाया था, उससे जो है काफ़ी सिस्टम अच्छा है, आपको बर्गर भी मिल रहा है 5 यूरो में, आइसक्रीम भी, फ्रेंच फ्राइज भी, और ये जो विंग्स भी हैं जो KFC वाले होते हैं वो भी मिल रहे हैं। ये बंदा फ्री वाली कोक 5वीं दफ़ा ये गिलास भर के आ रहा है, इसको कोई भी मुफ्त की चीज़ ना दे। अरे क्या करूँ यार, प्यास लगी है तो बस सब मुफ्त की है, वैसे भी तो पैसे दिए हैं, खाओ पियो। तो गाइस अभी जो है हम शॉपिंग सेंटर से वापस आए हैं रूम में, और अभी जो चीज़ें हमने वहाँ से ली थी शॉपिंग सेंटर से वो आपको दिखाएंगे, और कितने की ली थी ये सारी चीज़ें आपको जो है वो दिखाएंगे। दरअसल हम रूम में बैठे हैं, थोड़ी लाइटिंग कम होगी, ये बाहर अंधेरा हो गया है क्योंकि शाम के अभी तकरीबन 7:30 बज रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो आज हमने ली है वो है ये बैग, लिनोवो का बैग है ये, और इसकी जो प्राइस है वो 25 यूरोज है, मतलब नॉर्मल बहुत महंगे भी थे वहाँ पर, मतलब HP के। हमने ये दरअसल इसलिए लिया है क्योंकि आगे जाके लैपटॉप भी लेंगे, तो ये लैपटॉप के यूज़ के लिए है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत सारी चीज़ें हम कैरी करके जा सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट पर या फिर इधर उधर पानी की एक बोतल या ऐसा कुछ जो हम कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये यूज़ भी छोटे ही बैग होते हैं, तकरीबन इसी साइज़ के, बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेवलर वाले बैग्स जो बड़े बड़े होते हैं वो यूज़ नहीं होते, जिस तरह के हमारे यहाँ होते हैं कैमल माउंटेन वाले, या कुछ भी उसमें कंबल डाल देते हैं और उठाओ भाई, कोई मसला नहीं था। और उसके अलावा जो हमने दूसरी चीज़ ली है कौन सी? तो दूसरी जो चीज है वो है वो, ये भाई बहुत एक्साइटेड था, बहुत ही वो है ये चीज, ये जो है JBL के हेडफोन्स हैं, और ये जो है हम इनको अनबॉक्स भी करेंगे सबसे पहले, और इनका जो मॉडल है वो है ट्यून 510 BT, और इससे अच्छे भी थे और वो ज्यादा एक्सपेंसिव थे, तो हमने कहा अभी के लिए यही ठीक है, जब ज्यादा हो जाएंगे पैसे तो फिर अब अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी के लिए यही हमने, इसकी प्राइस भी आपको जो है वो बताते हैं। सबसे पहले इसको खोलते हैं कि चीज क्या है ये। चीज सही है, मतलब के जो है वो बजट फ्रेंडली थी, ना ज्यादा था ना कम था पता नहीं, और इसकी वारंटी भी है, 3 साल की वारंटी है, अगर कोई मसला होता है तो आप जो है फिर उनके पास वापस जा सकते हो किसी भी स्टोर पे। और इसको हम कहते हैं वेलकम टू आवर होम, तो इसको अभी सही से निकालेंगे। तो भाई, तो ये, भाई है। ये जो है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें बखूबी याद है जुबानी, तो इसलिए इनको साइड पर रखते हैं। हाँ, इसमें वारंटी कार्ड भी होगा इसके अंदर ना, वो जब खराब होगी तो देंगे। हाँ, अभी नहीं। तो ये है, और ये जो है इसमें इसकी टाइप सी जो है वो केबल है, वैसे तो हमारे पास थी लेकिन उन लोगों ने दी है, अच्छी बात है। बाकी ये है कि अभी आपको ट्राई तो नहीं करवा सकते यहाँ से, बाकी ये तो भाई ये JBL के 510 BT हेडफोन्स हैं। पहन के देखो गाने नहीं बज रहे, सही है। मतलब सही है, और हम लोगों ने इसलिए JBL के लिए थे क्योंकि ये बजट फ्रेंडली थे, इसलिए और भी बहुत बहुत जो है महंगी कंपनियां हैं, तो थोड़ा कान बड़ा है मेरा। हाँ, इसके कान कटवाने पड़ेंगे, इसके जो कान है ना फिर जाके सही होगा, सेटिंग से खड़ा ये इसका जो ये गोल दायरा है ना, इससे कान बड़ा है मेरा। अच्छा, लेकिन सही है, चलेगा। और ये अब आपको ट्राई तो नहीं करा सकते, अच्छे ही होंगे। और इनकी जो प्राइस है वो है 50 यूरो, और पाकिस्तान में जो इनकी प्राइस है वो है 12,900, तो पाकिस्तान में इतने के पड़ते हैं, हमने ऑनलाइन चेक किया था। तो अभी जो है इन हेडफोन से आपको जो है वो हमारी वीडियोस की आवाज़ में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर इसका माइक होगा तो
जो गाड़ियों वगैरह की आवाज आती थी वो काफी हद तक नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में यही चीजें थी, बाकी सुबह फिर से हम काम पे जाएंगे और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपके लोगों आप लोगों के लिए होगी तो जो है वो लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इन द लास्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो, और अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हमारे फेसबुक पेज पर या कमेंट सेक्शन में जो है वो कर सकता है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।